वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले 16 अक्टूबर से हड़ताल कर रहे महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम यानी MSRTC के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध बताते हुए तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांग के सिलसिले में एक कमेटी बनाने को कहा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद देर रात हुई कोर कमेटी की बैठक में हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इस हड़ताल को खत्म कराने में राज्य सरकार नाकाम रही थी। इस हड़ताल के खत्म होने से आम आदमियों को काफी राहत मिली है। दिवाली के ऐन वक्त पर हुई इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था। सरकार और कर्मचारियों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई थी।